जय हिंद एवरीवन। तो आज हम देखेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपके सेमेस्टर एग्जाम में आ सकता है, वो है गॉस सीडल मेथड। तो गॉस सीडल मेथड क्या है आपको एकदम वैसा बताएंगे जैसा कि आप एकदम वैसे ही आपको लिख के आना है, और कुछ एक्स्ट्रा उसमें आपको सोचना ही नहीं है। एकदम आपको आप समझिए एकदम कंकाइज नोट से। तो आप गॉस सीडल मेथड में क्या होता है, देखिए गॉस सीडल मेथड जो होता है वो हमारा इसमें क्या होते हैं, पहले इसमें हम कुछ बेसिक जान लेते हैं। देखिए गॉस सीडल जो मेथड होता है हमारा, ये जो गॉस सीडल मेथड है उसमें हमारे तीन बसेस, जैसा कि हम जानते हैं तीन बसेस होते हैं हमारे। पहला क्या हमारा होता है, स्लैक बसेस होते हैं। दूसरा हमारा कौन सा होता है, पीवी बसेस होते हैं। और तीसरा हमारा कौन है, पीक्यू बसेस होते हैं। तो ये गॉस सीडल मेथड में हमारे तीन बसेस होते हैं। स्लैक बसेस के लिए हमारा जो हम मान लीजिए एन बसेस के लिए स्लैक बसेस निकालते हैं, एन बसेस के लिए, तो जो हमारा स्लैक बसेस का वैल्यू जो स्लैक के लिए जाता है वो हमारा गॉस सीडल में नंबर वन के, मतलब कि जो एन इज इक्वल टू वन बसेस जो फर्स्ट बस होता है वो स्लैक के लिए होता है। अब उसके बाद बचा कितना हमारे पास, सुनकर अब हमारे पास एन माइनस वन बचा। अब हमारा जो पीवी बसेस के लिए, मान लीजिए आपका के से स्टार्ट हो रहा है, या आप टू से जहां समझिए वहां से जितना तक आपका जाता है के तक, और फिर उसके बाद जो बचता है वो हमारा पीक्यू बस के लिए फिर जाता है, कि पीक्यू बस के लिए कहाँ से, के प्लस वन से हमारा एन तक आ जाएगा। तो गॉस सीडल मेथड हमारे तीन बस, तीनों जो तीनों टाइप के बस होते हैं उन पे अप्लाई होता है। स्लैक बस पे भी अप्लाई होता है, पीवी बसेस पे भी अप्लाई होता है, और पीक्यू बस पे भी होता है। स्लैक बस के लिए हमारा जब स्लैक जो हमारा बस होता है वो अगर हमारे पहले नंबर पे चला गया, पहले ही बस पे, तो उसका वैल्यू हम मान के चलते हैं वो फर्स्ट आइट्रेशन या फर्स्ट हमारे बसेस पे वो स्लैक होगा। फिर उसके बाद हम टू से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हमारा पीवी बसेस पे आता है, फिर उसके बाद हमारा क्या होता है, फिर उसके बाद जो बच जाता है के बाद, क्योंकि हम नंबर कितना लिए 10 बसेस, तो उसके बाद जो बच जाता है वो हमारा फिर चला जाता है पीक्यू बसेस में। तो आज हम बात करेंगे ये पीक्यू बसेस से गॉस सीडल मेथड कैसे निकालते हैं, वो सारा कुछ हम जानेंगे। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था उसके बारे में। अब हम चलेंगे अपने गॉस सीडल मेथड पे, इसको पहले इरेज कर लेते हैं फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब हमको क्या याद करना है, गॉस सीडल मेथड में पहले हम देखिए, आप अभी गॉस सीडल आप अपने दिमाग में डालिए ही मत। गॉस सीडल से पहले हमारा क्या होता है, लोड फ्लो इक्वेशन से हमको कुछ चीजें निकालनी होती है। तो उसके लिए हम पहले क्या करते हैं, नूडल करंट आप सभी ने पढ़ा होगा, नूडल करंट एनालिसिस। तो उसमें नूडल करंट में क्या होता है, आपका जनरली फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू होता है वी अपॉन जेड। अब लेकिन वन अपॉन जेड को आप क्या लिख सकते हैं, वाई भी लिख सकते हैं, जो अपोजिट होता है हमारा वी और आई भी लिख सकते हैं। वाई हमारा क्या होगा, यहाँ पे वाई हमारा है वन अपॉन जेड, तो आप आई इज इक्वल टू ये भी लिख सकते हैं वी इंटू वाई। तो वही चीज आपका ये दिया है, मान लीजिए अब एंथ बस के लिए रहा, तो अब हम अभी देखे फॉर्मूला, आई इज इक्वल टू हमारा होता है वी इंटू वाई होता है। तो मान लीजिए हमारा एंथ बस के लिए है, तो उसके लिए क्या होगा, देखिए मान लीजिए हमारा केथ बस तक, हमारा के बस से स्टार्टिंग है, मान लीजिए आई के का वैल्यू निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे पहला बस जो हमारा है, मान लीजिए के बस है, तो उसमें क्या पहला हमारा, फिर उसके बाद दूसरा, ऐसे करते करते हम एन तक ले जाएंगे, तो हमारा वो जो टोटल करंट होगा वो हमको मिल जाएगा। अब देखिए इसको हम क्या किए, सिंपली उसको सिग्मा फॉर्म में लिख लिए, कि हम मान लिए कि हमारा जो केथ टर्म था उसमें हमारा वन से लेके एन तक चला था, तो वन से आई इज इक्वल टू वन से हम यहाँ पे एन मान लिए, आई हम कोई भी यहाँ पे नंबर वेरिएबल नंबर मान लिए। तो ये आपको पहले आपको फर्स्ट स्टेप आपका ये करना है कि आई के का वैल्यू निकालना है। आई के का वैल्यू आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना है, सीधे समेशन करना है हर वैल्यू का, जो हमारा वोल्टेज है कि हर एथ वाले पे वोल्टेज का वैल्यू उनकी इंटू हम करेंगे वन बाई जेड, वन बाई जेड मतलब वी वाई वाई हम उसको कहेंगे। तो ये आपको पहले स्टेप में निकाल लेना, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमको कॉम्प्लेक्स पावर इज इक्वल टू, हमने जानता है हम लोग जानते हैं कॉम्प्लेक्स पावर किसका सम होता है, एक्टिव पावर का और रिएक्टिव पावर का सम होता है। तो एक्टिव पावर हमारा यहाँ पी के है और रिएक्टिव पावर हमारा क्यू के, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वी के आई के कंज्यूगेट, ये तो आपको सभी को पता ही होगा। लेकिन अगर हम इसका कंज्यूगेट कर दें, इसका हम कॉम्प्लेक्स पावर में अगर इसका कंज्यूगेट करेंगे, तो यहाँ जो प्लस है वो हमारा इसका कंज्यूगेट हो जाएगा पी के माइनस जे क्यू के, और इसका जो कंज्यूगेट ये भी अपोजिट हो जाएगा वी के पावर स्टार आ जाएगा इंटू आई के आ जाएगा। तो यहाँ से आप आई के का वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या आएगा, आप बी के को नीचे भेज दीजिए, तो जब बी के को नीचे भेजेंगे तो हमारा ये आई के का वैल्यू आएगा क्या, वन अपॉन बी के कंजुगेट
टी के माइनस जे क्यू के, ये आपको रिमेम्बर करना है। ये आप सिंपल एक्सिस कॉम्प्लेक्स पावर मेथड से भी निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद आप आगे बढ़िए, देखिए आप उसके बाद जैसे आप इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, जो ये इक्वेशन हमारा था, ये यहाँ पे जो आई के वाला जो हमारा करंट वाला इक्वेशन था, वहां से आप कैसे लिख सकते हैं इसको, सोचिए जो आई के का इसको हम क्या लिख सकते हैं, आई के को हमारा क्या था, आई के इज इक्वल टू हमारा था आपका, आई के इज इक्वल टू तो हमारा ये था 1/vk कंजुगेट pk माइनस जे क्यू के। आप इसको यहाँ पे सिंपल लिख दिए 1/vk कंजुगेट pk माइनस जे क्यू के, और जो हमारा आया इसके बाद क्या था, yk1 v1 yk2 v2। अब इसमें क्या आया होगा हमारा, इसमें ये भी तो टर्म आया होगा yk और vk इंटू ykk भी आया होगा, क्योंकि k यहाँ पे हमारा क्या है k1 k2 फिर kk भी टर्म आया होगा एक, फिर उसके बाद और आगे बढ़ा होगा kn, क्योंकि हमारा टोटल नंबर ऑफ बसेस जो थे वो हमारे kn थे, तो इसलिए हमारा इसमें जो आया था vk इंटू वाई के के वाला भी टर्म आया था। अब हमको क्या निकालना है, देखिए अगर हमको इसमें वो केवल ये वाला टर्म निकालना है तो ये सारे जो बचे टर्म है उसको हम उस साइड इस साइड ले जाके लेफ्ट अपने राइट साइड लाके उसको अगर माइनस कर देंगे तो यहाँ से हमको वी के और वाई के के का वैल्यू तो मिल जाएगा। आप सोचिए आपको मिलेगा कि नहीं, या बताइए, देखिए यहाँ पे जो आपको क्या है हमारा के के वन भी है, के टू भी बस है, के थ्री बस है, उसमें के के भी आएगा, उसके बाद के एन भी आएगा, क्योंकि टोटल नंबर हम क्या लिए थे एन मान के चले थे, तो उसमें हमारा के के वाला भी टर्म आएगा। तो हमको अगर वी के वाई के टर्म निकालना है तो ये जितने भी हमारे बच रहे इसके अलावा उसको माइनस कर देंगे इस टोटल आई के करेंट में से, तो हमको इसका जो करेंट है आई के करेंट है वो तो मिल जाएगा। सोचिए आप, देखिए आराम से मिल जाएगा। फिर देखिए वही इक्वेशन को हम कैसे लिख दिए, इसको समेशन जो हमारा आई इजिकल टू वन से एन जाएगा, लेकिन जो हमारा आई इजिकल टू के वाला टर्म था उसको हमने तो उसका वैल्यू निकाला है, इसलिए उसको हम आई शुड बी नॉट इक्वल टू के हम कर दिए पहले से ही। तो हमारा ये तो टोटल करेंट था आई के था करेंट, और माइनस हो गया हमारा ये जो रिमेनिंग करेंट है वो हमारा इसमें से माइनस हो गया। तो ये हमारा क्या आ गया आपका सिंपल वाई के इंटू वी के, जो कि हमारा किसके इक्वल है, जो आई के टर्म के इक्वल है, आई मतलब केएफ बस में केएफ टर्म में हमारा जो आई के का वैल्यू है वो है। लेकिन अब देखिए अब गॉस सीडल मेथड कहता क्या है, गॉस सीडल मेथड कहता है कि अगर आपको कोई भी नया वैल्यू निकालना है, अगर आपको कोई भी नया वैल्यू निकालना है वाइल कंप्यूटिंग न्यू वैल्यू ऑफ केएफ बस We use new value of previous one। मान लीजिए आपको एक example देते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास 50 buses हैं, तो उसमें से आपको अगर 20 buses का तो 21वां buses का value निकालना है। मान लीजिए आपके पास 50 total buses हैं, उसमें आप 21वां buses का value निकालना है, तो उसमें आपको तो 21वां जब बसेस का वैल्यू निकालना है तो आपको 20 बसेस का तो वैल्यू पता होगा। तो गॉस सीडल यही कहता है कि जो हम पता है उसको ना यूज करके, जो हमको 21वां बसेस अगर निकालना है तो जो हमारा प्रीवियस वैल्यू जो न्यू वैल्यू है उसको तो हम यूज कर सकते हैं ओल्ड के बजाय, अगर हमको नहीं मिल रहा है तो ओल्ड वाला यूज करें। तो गॉस सीडल मेथड यही कहता है व्हाइल कंप्यूटिंग न्यू वैल्यू ऑफ के, अगर आप कोई भी न्यू वैल्यू ऑफ के बस का वोल्टेज का निकाल रहे हैं तो उसमें क्या होता है, आप उसको न्यू वैल्यू जो प्रीवियस में आप कैलकुलेट करिए, जैसे 21वां निकाल रहे हैं तो हमको उसमें से 20वां जो वैल्यू पता है न्यू वैल्यू पता है उसका वैल्यू यूज करें, और जो बचा है आगे का तो अभी हम निकाले नहीं है, जैसे 22वां 23वां 24वां 25वां इसका तो वैल्यू हम निकाले नहीं है, इसका वैल्यू हम क्या यूज करेंगे, जो प्रीवियस वाला है जो ओल्ड वाला है। फिर से रिपीट करते हैं, मान लीजिए आपके पास क्या है 50 buses हैं, 50 buses में से आपको मान लीजिए 21वां buses का वैल्यू आप निकाल रहे हैं, तो 21वां buses का वैल्यू तभी निकालेंगे जब आपको 20 buses का वैल्यू पता होगा, और 20 buses का वैल्यू को पता होने पे तो गॉस सीडल यही कहता है कि आपको जो नया 20 वैल्यू आप निकाले हैं उसका भी यूज कीजिए न्यू वाला जो, प्लस अगर आपको 23वां 22वां 24वां 29वां 30वां निकालना है उसका वैल्यू आप ओल्ड वाला यूज कीजिए। सिंपल गॉस सीडल मेथड आपका यही बोलता ही है, और कुछ इसके अलावा बोलता ही नहीं है। तो बस देखिए आपको क्या निकालना है, यहाँ पे आपको निकालना है आपको यहाँ पे जो आपका यहाँ पे जो आपका टर्म आ गया है वीके टर्म। देखिए अब जैसे यहाँ पे आप आगे वाला टर्म निकालना है तो आप आगे वाला टर्म निकालने के लिए बताइए सोचिए क्या करेंगे, आपको अगर आगे वाला टर्म निकालना है आपको जैसे यहाँ पे न्यू वैल्यू निकालना है केएस
टर्म का वैल्यू, न्यू वैल्यू निकालना है, तो आप सिंपल क्या, ये तो मान लीजिए आर प्लस वन क्यू की है, क्योंकि हमारा आगे वाला नेक्स्ट वैल्यू है, यहाँ पे नेक्स्ट वाला वैल्यू निकाले इंटू इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, जो यहाँ पे हमारा पीके वैल्यू टोटल था, ये वाला वैल्यू पीके माइनस जे क्यू के अपन बी के इंटू आर एथ रजिस्ट्रेशन, जो हमारा 50, मान लीजिए ये 50 टोटल था हमारा, माइनस किए, फिर उसके बाद हमारा जो ओल्ड वाला वैल्यू था, देखिए जो हम ओल्ड वाला वैल्यू तो हमारा ये रहा, और जो हम न्यू वैल्यू निकाले हैं, जैसे हम केएस का निकाल रहे हैं तो के माइनस वन का तो हमको पता रहा होगा, सोचिए जब अगर हम केएस का निकाल रहे हैं तो के माइनस वैल्यू का तो हमको पता रहेगा, इसलिए हम कौन सा आइट्रेशन यूज किए, आर प्लस वन वाला ही, देखिए आर प्लस वन वाला इसीलिए यूज किए क्योंकि हमको केएस का निकाल रहे हैं तो के माइनस वन टर्म का हमको न्यू वैल्यू पता है, देखिए पता है तभी तो हम के माइनस वन किए यहाँ पे, तो यहाँ पे आप सिंपल देखिए यहाँ पे आप यूज कौन सा किए, जो न्यू वैल्यू आप निकाले हैं, जो आर प्लस वन आइट्रेशन का न्यू वैल्यू आप जो निकाले हैं करेंट का, उसको आपने यहाँ पे यूज किया है, फिर उसके बाद आप माइनस क्या किया, आप यहाँ पे क्या किए, माइनस जो आगे वाला है नेक्स्ट, ये आपका मान लीजिए आपका 20 वैल्यू, आपको पुराना वैल्यू जो आपको जो 21वां निकाल रहे थे, मान लीजिए आपको 21वां वैल्यू निकालना है, तो उसमें 50 वैल्यू टोटल थे हमारे, उसमें से जो 20 वैल्यू आपने न्यू वाला निकाला, इसलिए आर प्लस वन यहाँ पे था, आर प्लस वन यहाँ पे भी था, फिर उसके बाद आप आगे बढ़े, आगे आपको जब 21वां वैल्यू निकालना है तो 22वां 23वां 24वां ये सब वैल्यू तो ओल्ड वाला ही यूज करेंगे ना, क्योंकि अभी तो वैल्यू आप निकाले ही नहीं है, तो यहाँ पे जो हम यूज करेंगे, यहाँ पे हम ओल्ड वैल्यू यूज करेंगे, जो 50 में से 20 तो हमको पता थे, वो हम इसलिए न्यू वैल्यू यूज किए वीआई आर प्लस वन, लेकिन अगर हमको जो हमको आगे अभी 21वां के बाद 22वां 23वां तो हमको पता ही नहीं है, तो पता करें उसको हम कैसे यूज करेंगे, उसका जो ओल्ड वैल्यू होगा, इसलिए हम आर्थ हाइड्रेशन पे क्यों, देखिए टोटल वाले में भी हमारा आर्थ हाइड्रेशन है, क्योंकि हमको टोटल तो पता ही नहीं है, और फिर उसके बाद जब हमारा 21वां के बाद टर्म आया 22वां 23वां वहां पे भी हम ओल्ड वैल्यू यूज किए हैं। आपको एक बार फिर से समझा देते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे आपका तो टोटल था 50 वैल्यू ओल्ड या न्यू सब सेम, आपने 20 वैल्यू तो निकाली लिया, तभी तो आप 21वां का निकाल रहे हैं, फिर उसके बाद आप क्या किए माइनस किए यहाँ पे जो आपका ओल्ड वैल्यू जो आपका था, जब 21वां वैल्यू आप निकाल रहे तो 22वां 23वां ये सब क्या यूज करेंगे ओल्ड वैल्यू, तो ओल्ड वैल्यू इसीलिए हमारा जो ये आर वाला आइट्रेशन है, यहाँ पे देखिए आर प्लस वन क्यों है, क्योंकि हम यहाँ पे न्यू वैल्यू यूज कर रहे हैं और यहाँ पे हम ओल्ड वैल्यू यूज कर रहे हैं। तो ये हमारा रहा गॉस सीडल का इम्पोर्टेंट, ये इक्वेशन आपको याद होना चाहिए, किसका इक्वेशन है, करंट का इक्वेशन, यहाँ पे आप आई के भी जोड़ेंगे क्योंकि आई के आर प्लस वन वाला है, यहाँ पे हम जो निकाल रहे हैं यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आई के नहीं होगा, यहाँ पे जो आपका होगा ये होगा वाई हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारा ये करंट है तो वाई के जो कि हमारा आर प्लस वन आइट्रेशन का होगा। तो ये आपको बस सिंपल जैसे आप लॉजिक सोचिए कि जैसे आप यहाँ पे निकाल रहे थे ये वाला टर्म, लेकिन आपको आगे वैल्यू निकालना है, क्यों, जो गॉस सीडल मेथड होता है वो क्या बोलता है कि हमको नेक्स्ट न्यू वैल्यू चाहिए, और नेक्स्ट न्यू वैल्यू क्या होगा हमारा, जो आर प्लस वन आइट्रेशन पे होगा, और आर प्लस वन आइट्रेशन आप तभी निकालोगे जब आपको टोटल ओल्ड वैल्यू पता होगा। अब जिस टर्म का वैल्यू निकाल रहे उस पुराने वाला जो बेस वैल्यू जो आपका होगा, उस पुराने वाले वैल्यू को आप यूज ना करके जो आप उस टर्म के निकाले हुए उसके प्रीवियस जो वैल्यू न्यू वैल्यू है उसको आप यूज करोगे, जैसे यहाँ पे हमने यूज किया, और जब उसके आगे जाना है तो हम वही पुराना वैल्यू यूज करेंगे। गॉस सीडल यही कहता है और कुछ नहीं है। गॉस सीडल में आपको सिंपली आपको निकालना है ये लोड फ्लो इक्वेशन से, आपको सिंपली आपको बताया कैसे नोडल करंट यूज करना है, कॉम्प्लेक्स पावर यूज करना है, फिर उसके बाद आपने वहां से करंट का इक्वेशन निकाला, फिर वहां से आपने केएस टर्म का जो आइट्रेशन था वहां पे यूज किया, फिर उसके बाद आपने क्या किया जो यहाँ पे एक इक्वेशन बना हमका हमारा जो आईके करंट का वैल्यू था, तो उसको हमने यूज किया कैसे न्यू वैल्यू में, कैसे उसको इनकल्केट करें, फिर ये वाला हमारा ये आपको पॉइंट आपको रिमेम्बर करना होगा। ये आपको गॉस सीडल का इम्पोर्टेंट मेथड है, जो हमारा गॉस सीडल मेथड लोड फ्लो एनालिसिस से ये मिला है। ये हमारा पीक्यू बसेस का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एकेटीयू या कोई भी एग्जाम में आ सकता है, सेमेस्टर एग्जाम में। थैंक यू, जय हिंद।